हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्विस। आज हम आए हैं आरकेएल मोटर टाटा टियागो ICNG का रिव्यू करने के लिए। गाड़ी आपको दिख गई होगी, गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। ये है एग्जेट प्लस में CNG मॉडल। वैसे तो टाटा के सभी वेरिएंट में, टियागो के सभी वेरिएंट में आपको CNG वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये टॉप वेरिएंट है, तो इसी का ही हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। ऑन रोड प्राइजिंग भी जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। फुल डिटेल रिव्यू होगा, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस गाड़ी के बारे में पूरा समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। टाटा टियागो टाटा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने टाटा को नाम के साथ साथ टाटा को एक बेहतरीन सेल्स भी दिलाई थी। ये बजट सेगमेंट की कार थी, लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। ये गाड़ी अपने बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब से CNG लॉन्च किया गया तब से ये गाड़ी अपने बेहतरीन माइलेज के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि इसकी CNG वेरिएंट काफ़ी बेहतरीन माइलेज भी क्लेम करता है। अगर इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की हम बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन मिलता है पेट्रोल इंजन का, जो आपको CNG वेरिएंट पे 72 PSI पावर देता है 95 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यही पेट्रोल में आपको 83 PSI पावर देता है और 130 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर CNG की माइलेज की बात करें तो 28 KMPL का टाटा माइलेज इसमें क्लेम करता है, जो काफ़ी सफिशियंट है एक टियागो जैसी गाड़ी के लिए, जो बेहतरीन सेफ्टी के साथ साथ अब बेहतरीन माइलेज भी प्रोवाइड करने लगी है। चलिए इसे फ्रंट में अगर इस गाड़ी को देखेंगे, फ्रंट से गाड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी क्रोम का यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। पहले प्रोजेक्टर नहीं आता था, लेकिन अब टाटा ने प्रोजेक्टर सेटअप दे दिया है। नीचे आपको फॉग लैंप भी मिल गया है और DRS को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लोअर ग्रिल से गाड़ी काफ़ी पहले से भी अच्छी लगती थी, अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। क्रोम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें किया गया है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से क्रोम का यूज़ किया गया, जिससे गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम बनाया जा सके। टायरों से भी काफ़ी ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया गया, नीचे भी क्रोम का यूज़ किया, टाटा का लोगो भी क्रोम है, मतलब हर जगह आपको क्रोम मिलेगा, जहाँ गाड़ी फ्रंट से काफ़ी आपको प्रीमियम फील कराएगी। अच्छे से गाड़ी के लुक को देखिए, गाड़ी पहले से काफ़ी प्रीमियम हो गई है, काफ़ी शानदार हो गई है फ्रंट से। और इस कलर की अगर बात करें, इस कलर में गाड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर इस गाड़ी के डायमेंशन की बात करें तो व्हील बेस इस गाड़ी का काफ़ी कम है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग भी प्रोवाइड कर देती है। इसके डायमेंशन की बात करें तो लेंथ आपको 3765 mm की मिल जाती है, विड्थ आपको 1677 mm की मिल जाती है, हाइट आपको 1535 mm की मिल जाती है। टायर साइज आप देख सकते हो, व्हील आज काफ़ी अच्छा मिलता है ताकि ख़राब रास्तों पे अच्छा बिहेव करे। 175/65 R15 inch के स्टील रिम्स मिलते हैं। आप धोखा खा गए होंगे इसके व्हील कवर को देख के, लेकिन ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं है, ये स्टील रिम्स है, व्हील कवर लगाया गया है इस पर। 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVs मिल जाते हैं, साथ ही में इसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया गया है। डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम का यूज किया गया है, जो अच्छी बात है। लाइट क्रोम है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, हल्का पट्टी दी गई है, जो अच्छी लगती है देखने में। पीछे से अगर आएंगे, पीछे से ही गाड़ी उसी तरह दिखती है जैसे पहले दिखती थी, देख सकते हैं आप। काफ़ी शानदार पीछे का लुक मुझे टियागो का साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चलते हैं इसके बूट को दिखाते हैं, देखते हैं इसमें CNG टैंक कितने लीटर का मिल जाता है। चलिए आइए इसकी पहले बूट खोलते हैं। सर, बूट खोल कर दिखाएंगे आपको। देखिए, ये बूट खुल गया है, इसमें आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है CNG की, देख सकते हैं आप। इसी के नीचे आएंगे तो आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो एक साइज छोटा मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ी बहुत जगह यहाँ मिल जाती है। बूट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है CNG यूज करने के बाद, आप देख सकते हैं पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। अब अगर पीछे की प्रोफाइल देखेंगे, पीछे से गाड़ी काफ़ी फीचर रिच हो गई है। यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाता है, इंडिकेटर और रियर फॉग लैंप, ICNG की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे टाटा की लोगो, टियागो की बैजिंग मिल जाती है आपको। रियर कैमरा भी ऑफर किया गया है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, पीछे भी बम्पर पे देख सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया गया है इसमें आपको, मतलब CNG की बैजिंग, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग जैसे चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं। पीछे से काफ़ी फीचर रिच बनाई गई है। फ्रंट की सीट चेक कर लेते हैं, फ्रंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। डोर आप देख सकते हैं डुअल टोर में ही डोर दिया गया है। देखिए, नीचे आपको वाइट कलर और ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है, जो अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको विंडो के चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया गया है। नीचे आपको
बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाता है, टोटल 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिलते हैं इसमें आपको। क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिलता है, यहाँ पे वॉल बीम से कंट्रोल मिल जाते हैं। इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं फ्रंट का। यहाँ पे आएंगे सीट पे, आपको यहाँ पे हाइट के लिए मैनुअली मिलता है सीट एडजस्टमेंट, सारा पैडल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आप देख सकते हैं वही सेम आपको टियागो वाली, यहाँ पे स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल सारे मिल जाते हैं। इस साइड आपको कुछ नहीं मिलता, हॉर्न मिलता है, ये आपको वही फुल्ली डिजिटल आपको MID मिल जाती है, जो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, जो नॉर्मली टियागो में मिलती थी। AC वेंट्स मिल जाते हैं, हरमन के 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे सभी चीज़ें सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है, अच्छा लगता है देखने में। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यूज किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, USB मिल जाता है आपको, थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। गियर नॉब्स यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है, कप वगैरह रखने के लिए और भी कुछ सामान रखने के लिए। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का टाटा ग्लव बॉक्स ऑफर करता है टियागो में। डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको वारंटी मीटर नहीं मिलता है इस ड्राइवर साइड, आपको IONOS मैनुअल मिलता है। यहाँ पे वारंटी मीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो अच्छी बात है, मैनुअली मिलता है IONOS। अब चलते हैं इसके रियर की सीट को चेक कर लेते हैं। वैसे तो इस गाड़ी की व्हील बेस की अगर हम बात करें तो आपको 2400 mm की व्हील बेस मिल जाती है, जो सफिशियंट है इस छोटी कार के लिए। यहाँ पे डोर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपन होता है, टाटा की सभी गाड़ियों का यही है। डोर हैंडल्स क्रोम में, यहाँ पे विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, 2 बॉटल आसानी से आ जाएगी, स्पीकर की यूनिट, कुछ इस तरह का आपको रियर सीट मिलता है। फैब्रिक में मिलती है टायर और सिर्फ डिजाइन के साथ, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। गाड़ी में बैठ गए हैं, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ मिल जाते हैं, देख सकते हैं आगे की सीट पूरी पीछे। इसके बावजूद मुझे लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मुझे उसी तरह का टियागो का इंटीरियर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ऊपर आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है बीच में, जो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो रहा टाटा टियागो ICNG का रिव्यू। अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 909,306 रुपये में ये गाड़ी ऑन रोड आरकेएल मोटर गोरखपुर UP में आपको मिल जाती है। अगर बुक कराना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, शोरूम के रिगार्डिंग आप बुक करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।